कंपेयर करें तो Realme X2 में बैटरी साइज थोड़ी छोटी है और चार्जिंग स्पीड फास्ट है, तो Realme X2 विनर होना चाहिए टेस्ट के लिए। पर जैसे आप ये वीडियो आगे आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आपको ऐसे वीडियोस मिस नहीं करने तो प्लीज यार लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो। अब चार्जिंग टेस्ट शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो अभी ये दोनों फोन्स को मैंने कम्प्लीटली ड्रेन आउट कर दिया है। दोनों फोन्स की बैटरी एकदम 0% पे है। यहाँ पे मैंने Redmi K30 को उसके चार्जर के साथ कनेक्ट किया और Realme X2 को उसके वूक चार्जर के साथ कनेक्ट किया है। दोनों ही चार्जर्स को मैंने सेम आउटलेट पे लगाया ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन ना आए। और आप देख सकते हो कि अभी स्विच बंद है और दोनों फोन्स को अच्छी तरह से मैंने ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम चार्जिंग टेस्ट शुरू करते हैं और मैं हर 10 मिनट पे देखूंगा कि कौन सा फोन कितने परसेंटेज तक चार्ज हुआ है। तो चलिए अब चार्जिंग टेस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे करीब 10 मिनट होने के बाद आप देख सकते हो कि Redmi K30 पे 19% बैटरी चार्ज हुई है और Realme X2 पे 25% बैटरी चार्ज हुई है। तो Realme X2 ऑलरेडी 25% चार्ज हो चुका है तो काफी फास्ट है इसकी स्पीड, बट Redmi K30 भी उतना स्लो नहीं है। तो अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने वापस ये दोनों फोन्स की बैटरी चेक की, तो अब आप देख सकते हो कि Redmi K30 कुछ 41% तक चार्ज हुआ है और Realme X2 50% तक ऑलरेडी चार्ज हो गया है। तो Realme X2 को हाफ चार्ज होने में बस 20 मिनट लगते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्प्रेसिव है। उसके बाद जब मैंने 30 मिनट्स में बैटरी चेक की यानी कि आधे घंटे के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब Redmi K30 भी काफी अच्छी तरह से कैच अप कर रहा है। Redmi K30 अब 61% तक चार्ज हो गया है और Realme X2 68% चार्ज हुआ है। अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि Redmi K30 पे आपके पास बैटरी बड़ी है, तो 61% ऑफ 4500 mAh ऑफ बैटरी चार्ज हुई है और Realme X2 पे 68% ऑफ 4000 mAh बैटरी चार्ज हुई है। तो आप देख सकते हो कि आधे घंटे में ये दोनों फोन्स काफी अच्छी तरह से चार्ज हो जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी में फोन चार्ज करना है तो हाफ एन आवर में आपको इनफ बैटरी मिल जाएगी।